अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। बेटा तुम बाहर नहीं आ रहे थे इसलिए मैं तुम्हारा खाना यहीं ले आई, ये खा लेना बहुत लेट हो गया है। हाँ रख दो आप, वहां नहीं यहाँ रख दो, लेकिन खा जरूर लेना, अब ठंडा हुआ तो दोबारा गर्म नहीं करूंगी। हाँ ठीक है खा रहा हूँ। अच्छा बेटा ये ले लेना, पुरानी वाली भर गई है। ये भी ले लो। अब इसी में करना, और ये पीने का पानी है। ठीक है। क्या कर रहे हो, बैठे हुए खड़े हुए बैठे हुए तुम यार, खड़े हो जरा। यस सर। क्या क्या डोज दे दिया इसको? सर फ्रेंड्स का डोज दे दिया, आधे घंटे से ब्रेकिंग बैड का भी डोज दे दिया। बिल्कुल आधे घंटे से चालू करो, इंट्रोस के मत करना, पूरा डोज जाना चाहिए इसके अंदर। यस सर। क्या हालत हो गई इसकी, देखो आगे देखो कैसी हो रही है। क्या कर रहे हो, क्या होता है इस एपिसोड में? अरे सर इसमें बोलते हैं ना जोई, वो अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करता। तू क्यों डर गया है पेड़ो? सॉरी। निकल जल्दी, एडिक्ट हो गया। सुनो। यस सर। इसको ओटीटी सैचुरेशन चेक करो, नेटफ्लिक्स अमेज़न की टॉक्सिसिटी रिपोर्ट निकलो आप ऐसे बाद से। कपड़े ठीक करो। सर ठीक ही तो लग रहा है। नहीं नहीं उसके ठीक करो। अरे सर अपना शक सही निकला, सर का नेटफ्लिक्स मेंबरशिप एक्सपायर हो गया है। फिकर करने की जरूरत नहीं है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन एंड हुआ इसका। और इसकी रिपोर्ट आई होगी, उसमें क्या है? रिपोर्ट्स और स्नैप दोनों ले लिए मैंने, लगाने की कोई बात नहीं है। स्नैप? स्नैप मतलब? अरे डॉक्टर साहब की स्नैप स्ट्रीक चल रही है, स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाए थे डॉक्टर। स्नैपचैट? ये कैसा डॉक्टर है, कहाँ गई? अरे साहब आप फिकर ना करें, डॉक्टर साहब वर्ल्ड क्लास आदमी है, इन्होंने डोरेमोन से लेके अश्लील पिक्चरों तक के पेशेंट को ठीक करा, और आपका बेटा तो नेटफ्लिक्स वाला ही जो ठीक हो जाएगा। यू डॉक्टर साहब एक डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं और खुद एक बहुत बड़े रील एडिक्ट हैं। इन्हें हर आधे घंटे में रील या यूट्यूब शॉर्ट्स देखना पड़ते हैं, नहीं तो ये बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि इनका RBPI जो कम हो जाता है। RBPI बोले तो रील ब्लड प्रेशर इंडेक्स।
वैसे हमसे ऐसी लापरवाही हो कैसे गई? रिचार्ज नहीं भरा था क्या? ये है ना, एक काम बोला था आपसे, टाइम पे रिचार्ज करवा देना, वो भी करते नहीं बना। तो तुमसे भी तो कुछ काम नहीं हुआ, एक जेंसी बच्चा नहीं संभालते बना, हॉस्पिटल में आने की नौबत आ गई। अच्छा, ये भी मेरी गलती है? हाँ, सब तुम्हारी गलती है। मेरी कैसे गलती है? उसके खाने पीने से लेके टॉयलेट तक सब बेड पे मैं करवाती थी, ताकि बिंज वॉच करते टाइम कभी मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना आए। और आप इतना भर भर के दहेज दिया था, कम से कम उसी पैसे से रिचार्ज करवा देते। अरे कंजूस बाप है तेरा, ये मेकअप खोलकर 6.5 फीट की मर्द लड़की पकड़ा दी। शुक्रमाना फोड़ दिया तो लेके आप दोनों खुद को इस मुसीबत में ना पाते, आप दोनों खुद को इस मुसीबत में ना पाते अगर उस रात आप तो जल्दी सो जाते। ए भाई उधर इधर आना। जी आंटी, इसके डायग्नोसिस रिलेटेड कुछ बात करनी है, आप लोग अंदर आ जाइए ना। मैं बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए, जर्मनी की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको ठीक करने का एक तरीका है। अटैक से पहले जो भी इशू देख रहा था, अगर हम उसको एग्जैक्ट उसी जगह से वापस प्ले करें तो इसका डोपामिन रश होगा और ये होश में आ जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या देख रहा था? सर, अगर सब कुछ ये लोग बता देंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए जी, हम तो बिल्कुल व्हाइट कलर के पेरेंट्स की तरह अपने बच्चे की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते थे, तो वो क्या देख रहा था? आपको कुछ नहीं पता, मैं बताती हूँ। जब मैं सुबह का खाना शाम को देने गई ना, तो वो कुछ देख तो रहा था, सब लोग लंबे लंबे कोट पैंट पहने हुए थे। अरे लंबी कोट पैंट, अरे भैया अपने फेयरवेल की वीडियो देख रहा होंगे। ये कैसा बॉड बॉय है साहब का? आप उसको इग्नोर करिए, आप बता रही थी ना, बताइए। जी, सब लोग टोपी पहने हुए थे और हाँ, सब लोग सिगरेट भी पी रहे थे। सिगरेट? अरे सर, बॉडी पर कोट पैंट, मुंह में सिगरेट और हाथ में लाइटर, इट मस्ट हैव बीन द पीकी ब्लाइंडर्स। पीकी ब्लाइंडर्स, हाँ वो ही, सीजन 2 एपिसोड 3। सीजन 3 एपिसोड 2। हाँ शाबाश, जल्दी लगा जाके। हाँ आप बताइए, क्या बता रही? मैं लगाऊं जाके? गुड बाय बोल। सॉरी सॉरी सर, चलिए मैं भी चलती। चलिए आइए, आप क्या देगा? उनकी बेटी भी मेरे बेटे की तरह कोलैप्स हो गई, मुझे वहां जाना पड़ेगा, पर प्लीज आप मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखना।